नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। तो आज की इस वीडियो में हम पुनर्जागरण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण मूल शब्द किस भाषा से ग्रहण किया गया है? ये पूछ सकते हैं कि पुनर्जागरण या रेनेसांस शब्द किस भाषा का है, तो है फ्रेंच भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था? तो इसका आरंभ इटली से हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इटली में पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र था? तो वह था फ्लोरेंस शहर, जिसको जीवन शहर के नाम से भी जाना जाता है। एक जीवन शहर था। जीवन शहर का मतलब है कि यहाँ पर जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, व्यापार संबंधी या साहित्य संबंधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इटली का वह नगर जो एड्रियाटिक की महारानी कहलाता था? तो इसका राइट आंसर है वेनिस। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का सबसे बड़ा कारण था? तो इसका सबसे बड़ा कारण व्यापार था। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण को सर्वाधिक गति मिली थी? तो इस पुनर्जागरण को सर्वाधिक गति कागज और मुद्रण से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसकी राजधानी कुस्तुंतुनिया थी, जिसको कॉन्स्टेंटाइन रोमन सम्राट ने स्थापित किया था, जो कि रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी मानी जाती थी। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल की सामान्य अवधि मानी जाती है या मानी गई है? तो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल के आरंभ में इटली का बीजात वर्ग कहलाता था? तो उसको बुर्जुआ कहा जाता था। नेक्स्ट है, इटली के विकास में बुर्जुआजी वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने साहित्य स्थापिता कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया, जिसमें मेडिची परिवार का एक कुलदीपक था, तो वो थे पोपलियो दशम। नेक्स्ट है, तुर्की साम्राज्य की शक्ति विस्तार से बाइजेंटाइन विद्वानों की शरण स्थली बनी? तो राइट आंसर ऑप्शन भी यहाँ पर इटली। नेक्स्ट है, मानवतावाद का प्रवर्तक या मानवतावाद का पिता कहा जाता है पेटार्क को। नेक्स्ट है, एक इटालियन साहित्यकार जिसने टस्कनी भाषा में डिवाइन कॉमेडी लिखी और इटालियन काव्य का पिता कहा गया, तो ये थे दांते। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत जोड़े को हमें पहचानना है, गलत जोड़े को छांटना है। तो डिवाइन कॉमेडी जो थी वो दांते की कृति है। फेमिलियर लेटर्स पेटार्क, इन द डकोमरिन ये बुकासियो की रचना है, इन द प्रेज ऑफ फॉली ये यहाँ पर गलत जोड़ा दिया गया है। द प्रेज ऑफ फॉली रेसमस की रचना है, ना कि मेकावली। मेकावली की रचना है प्रिंस है। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध, यहाँ पर भी हमें अशुद्ध जोड़े को छांटना है। तो प्रथम आधुनिक व्यक्ति माउंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। प्रथम आधुनिक व्यक्ति माउंटेन को माना जाता है। नेक्स्ट है, जनसत्ता का पहला समर्थक मार्सिलिगियो, जो कि फ्रांस के थे। आधुनिक चाणक्य मैकावली को कहा जाता है, जिनकी रचना प्रिंस थी। तो यहाँ मानवतावाद का प्रवर्तक चौसर नहीं था, जब तो इसका आंसर जो मतलब मानवतावाद का जो प्रवर्तक थे वो पेटार्क थे। तो ये यहीं पर असंगत दिया गया है, आंसर भी यही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वर्ग को या शुद्ध जो असंगत जो दिया गया है उसका छांटना है हमें। तो इटालियन काव्य का पिता दांते थे, ये सही है बिल्कुल। अंग्रेजी काव्य का पिता चौसर थे, जो कि इंग्लैंड के थे। अंग्रेजी काव्य का श्रेष्ठतम कवि शेक्सपियर, ये भी सही है। इटालियन सोनेट के प्रतिपादक सर्वेंटेज, तो ये गलत है यहाँ पर, इसका आंसर पिटार्क होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही असंगत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से अशुद्ध वर्ग छांटिए, मतलब इसमें असंगत को छांटना है। प्रिंस मैकियावेली की रचना है, और जो मैकियावेली है वो इटली के निवासी थे। डिफेंडर ऑफ पीस मार्सिलेगियो ये फ्रांस के थे, बिल्कुल सही है। द प्रेज ऑफ फॉली एरिसमस की रचना है। द डॉन क्विकजोट जॉन मिल्टन की रचना नहीं है, ये रचना सर्वेंटेज की है। तो यही जो जोड़ा है पर असंगत है। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वर्ग छांटकर लिखें, तो फ्रांसिस बेकन की रचना द न्यू अटलांटिस है। टॉमस मोर की यूटोपिया ये भी सही है, और चौसर की कैंटबरी टेल्स है। मिल्टन द प्रिंस जो है वो मैकियावेली की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और शेक्सपियर मैकबेथ की रचना है, बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन एवं रोम भाषा के मिश्रण से विकसित एक प्रमुख भाषा है, तो ये थी अंग्रेजी भाषा, जो कि रोम और जर्मन भाषा का मिश्रण है, इसकी मेल से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस मूर
इंग्लैंड के रहने वाले थे, की रचना जिसमें इंग्लैंड के नगरों में व्यापक क्रूरता एवं कुरूपता पर व्यंग के साथ आदर्श राज्य की कल्पना की गई जो अत्यधिक विवादास्पद रही। तो टॉमस मूर की रचना है यूटोपिया, जिसमें इंग्लैंड के नगरों में व्याप्त क्रूरता और कुरूपता पर व्यंग के साथ आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। तो इसमें एक आदर्श राज्य की कल्पना भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मार्तवादियों का राजकुमार जिसने ईसा मसीह को एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना और उसकी कृति दुनिया में सर्वाधिक संख्या में बिकी, वह रचना थी। तो वो रचना थी प्रेज ऑफ फॉली, और मानवतावादी को राजकुमार थे एरेस्मस। एरेस्मस की रचना यहाँ पर प्रेज ऑफ फॉली। नेक्स्ट है, किसका शासनकाल गाने वाली चिड़ियों का घोंसला कहा गया है? तो एलिजाबेथ का जो काल है वो गाने वाली चिड़ियों का घोंसला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें असंगत को छांटना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब सही मिलान नहीं है। वाल्टेयर का अग्रगामी, तो ये माउंटेन थे जो कि जिसको ही प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा गया है। नेक्स्ट है, जनसत्ता का पहला समर्थक मार्सिगिलियो, ये भी बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है दोनों पॉइंट, बड़े ही आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। आधुनिक चाणक्य है, तो आधुनिक चाणक्य मैकियावेली कहा जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये संगत नहीं है यहाँ पर। तो प्यास नया संदेश, ये रेबेलॉस की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटो। तो पहला दिया गया है, इटली की परंपरागत शैली बेजेंटाइन कहलाती है, बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण काल के चित्रों में चटक रंगों का भरपूर प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। चित्रकारों ने धार्मिक विषयों को का त्याग कर दिया गया, तो उन्होंने इसको भी अपनाया, इसका बिल्कुल त्याग नहीं किया था, इन्होंने धार्मिक विषयों पर भी उन्होंने चित्रकारी की, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंस्को, टेम्परा और एन कास्टिक, ये सभी चित्र बनाने की विधियाँ थी, आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं इसे, आपकी जो रोमन साम्राज्य से संबंधी या यूनानी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उनमें भी पूछा जा सकता है कि ये क्या थी, फ्रेस्को, टेम्परा और एन कास्टिक, तो ये चित्रकारी की विधियाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा समूह इटालियन चित्रकारों का नहीं है? तो जियोटो, फ्रांजेलिको और मेशेशियो, व लियोनार्डो दा विंची, माइकलो एंजेलो, राफेल, ये सभी इटली के चित्रकार हैं, और फ्रांस होल्स और रेब्रा, ये इटली के चित्रकार नहीं हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पुनर्जागरणकालीन कलाओं में सर्वाधिक विकास हुआ, तो सर्वाधिक विकास हुआ चित्रकला में हुआ था, लियोनार्डो दा विंची जैसे, राफेल और बहुत सारे ऐसे चित्रकार हुए जिन, मतलब सबसे जो इसमें सर्वाधिक कला का विकास हुआ वो इसमें चित्रकला थी। नेक्स्ट है, इटालियन चित्रकार जिसे पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का जन्मदाता कहा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जियोटो। ये सभी की सभी यहाँ पर के हैं, वो सभी चित्रकार हैं, परंतु जो इटालियन चित्रकारी का जो जन्मदाता था वो जियोटो थे। नेक्स्ट है, गलत जोड़े को पहचानना है यहाँ पर, तो इटली की परंपरागत चित्र शैली बाजेंटाइन कहा जाता है इसको, परस्पेक्टिव चित्र, ये मेशेशियो के द्वारा शायद शुरुआत की गई, लास्ट सफर और मोनालिसा, ये लियोनार्डो दा विंची की रचना है। आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो जियोटो है, ना कि फ्रांस होल्स, तो जियोटो इसका आंसर होना चाहिए था, मतलब इसका इसके साथ जो मेल करना था, मिलाना था, वो जियोटो होना चाहिए था, तो इसी प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत जोड़ा छांटिए, तो गलत को हमें देखना है, लास्ट जजमेंट और सिस्टाइन मैडोना, तो ये माइकल एंजेलो की रचनाएं हैं, चित्रकारी है उनकी। लाफिंग क्लेवरी, ये फ्रांस हॉल्स की रचना है, और मैडोना का मातृत्व चित्र, ये राफेल की रचना है, और रात का पहरा, ये यहाँ पर असंगत दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटना है, तो पुनर्जागरण से पूर्व स्थापित्य गोथिक शैली कहलाती है, सही है। स्थापित्य की नवीन शैली का उद्गम इटली में हुआ, ये भी सही है, जियोटो इसके प्रवर्तक थे, और यहाँ पर जो सी है वो गलत दिया गया ऑप्शन, नवीन स्थापित्य शैली का प्रवर्तक लियोनार्डो दा विंची है, तो ये यहाँ पर असंगत है। नवीन शैली में यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों का समन्वय था, ये भी सही है, तो गलत जो है ऑप्शन सी है। आप आराम से वीडियो को रोक सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, आप वीडियो की स्पीड कम करके भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जोड़े को पृथक करो,
अशुद्ध देहना में कौन सा सही मिला हुआ नहीं है, तो नवीन इटालियन स्थापित्य के जनक ब्रुनेलेस्की हैं, बिल्कुल सही है। सेंट पीटर गिरजाघर रोम में है, ये भी सही है। संत पाल का गिरजाघर लंदन में है, ये बिल्कुल सही है। लूब्रे का राजप्रसाद मास्को, ये गलत है यहाँ पर ये ऑप्शन, बाकी पहले जो तीन है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें असंगत जोड़े को छांटना है, तो इसमें पहले ये गलत हो जाएगा। फ्लोरेंस गिरजाघर के द्वार, ये इसमें लियोनार्डो दा विंची नहीं होना चाहिए, इसका गिबर्टी आएगा आंसर। संत मार्क की आदमकद मूर्ति, ये दोनोतोलो ने बनाई है। पियाटा और डेविड की मूर्ति एंजिलो की है। और सामूहिक संगीत प्रार्थना, ये पालेस्ट्राइना की है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अलग है, पृथक, गिबर्टी, दोनातेल्लो और एंजिलो, तो इसमें टॉमस मूर, ये साहित्यकार हैं, जबकि जो दूसरे हैं ये चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी पुनर्जागरण की देन नहीं है, तो पॉलीफोनी, ये सभी वाद्य यंत्र हैं, पॉलीफोनी, वायलिन और हॉप्सिकॉर्ड, ये सभी पुनर्जागरण काल की देन है, जबकि पियानो नहीं है। नेक्स्ट है, छापखाने का आविष्कार गुटनबर्ग किस देश के रहने वाले थे, तो वो सभी को पता है कि जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने मेन शहर में पहला छापखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे, ने किस खगोल शास्त्री के विचारों का खंडन कर पृथ्वी को सूर्य का ग्रह बताया, तो उन्होंने टोलमी के विचारों का खंडन किया था और पृथ्वी को सूर्य का एक ग्रह बताया। नेक्स्ट है, प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की ओर खींचती है, तो इसका प्रतिपादन किया था, तो ये न्यूटन का विचार था। नेक्स्ट है, गैलीलियो ने किसके सिद्धांत की पुष्टि की थी, तो उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की थी। पुनर्जागरण काल में सर्वाधिक ह्रास हुआ, तो इसमें सामंतवाद का सबसे अधिक ह्रास हुआ, जबकि मानवतावाद, व्यापारवाद और चर्च का भी इसमें क्या हुआ, जो ह्रास हुआ था, वैसे तो चर्च की भी, क्यों, उस समय धार्मिक जो आंदोलन थे पुनर्जागरण काल में, लोग तर्क पर हर बातों को सोचने लगे थे, ना कि चर्च की बताई हुई बातों पर उनको फॉलो कर रहे थे, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40, अशुद्ध समूह छांटना है, मैं असंगत को छांटना है। शारीरिक मानव शरीर की बनावट वेसेलिसियस, ये सही है। रक्त परिसंचरण सिद्धांत, ये विलियम हार्वे की देन है। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये कैपलर, ये गलत है यहाँ पर, इसका आंसर न्यूटन होना चाहिए, होना चाहिए है ये है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी ये यहाँ पर असंगत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पृथक है, तो डियाज, कोलंबस, मैगलन, ये सभी क्या थे, ये खोजकर्ता थे जिन्होंने भौगोलिक यात्राएं की थी। मैगलन थे जिन्होंने पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था, कोलंबस अमेरिका की खोज की थी, और इन्होंने डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1487 सन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, पुनर्जागरण के महत्व के संदर्भ में असत्य कथन छांटो, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के स्थान पर भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। धार्मिक परंपराओं के स्थान पर तर्क एवं बुद्धि को प्रतिष्ठित किया गया, ये भी सही है। धर्म की राजनीति से पृथक करने की कल्पना की गई, ये भी सही है। प्राचीन मेसोपोटामिया के ज्ञान में विशेष रुचि ली, ऐसा कुछ नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कथन संगत है, ये गलत है पुनर्जागरण काल के संबंध में। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का मूल विषय था, तो मूल विषय जो था इसका लौकिकता था। नेक्स्ट है, निम्न में से पृथक वर्ग को पहचानना है हमें, ट्यूडर, बार्बो, ये वंश थे भाई, हैब्सबर्ग, तो आसबर्ग, ये संधि का नाम दिया गया, स्थान का नाम है, बाकी ये तीन जो दिए गए हैं ऐ बै और सही वंश के नाम हैं, जबकि ऑक्सबर्ग एक संधि का नाम, एक स्थान का नाम है जिस पर जहाँ पर वह संधि हुई थी। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, तो धर्म में सुधार हुआ था, बिल्कुल सही है, नए विचारों के लोग इसमें आए। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण से पूर्व विद्वानों की भाषा क्या थी, तो लेटिन भाषा थी। इसके बाद पुनर्जागरण के बाद लोगों ने अपनी मातृभाषा को उन पर ज़्यादा ध्यान दिया, इटालियन अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। नेक्स्ट है, फ्लोरेंटाइन स्कूल के तीन दिग्गजों में से नहीं थे, तो लियोनार्डो दा विंची भी थे और एंजेलो भी थे यहाँ पर, राफेल भी, जबकि टिशियन नहीं थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये दिग्गजों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्न में से पृथक व्यक्ति को में छांटना है, विलेसियस, पोलेफियो,
और एम्ब्रोज पारे, ये हम इस मतलब इनमें से जो अलग है वो गुटनबर्ग है जिन्होंने छापखाने का, अभी किस आधार पर अलग किया गया ये मुझे भी नहीं पता है, राइट आंसर इसमें वैसे डी है। नेक्स्ट है, सन 1582 में 13वें पोप गेरोरी ने यूनानी कैलेंडर में परिवर्तन कर नया कैलेंडर बनाया, तो इस कैलेंडर को कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, नौका चालन एवं भौगोलिक खोजों में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने भाग लिया था। अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो आपको पुर्तगाल पर जो है आपको पुर्तगाल के साथ जाना है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप में 14वीं से 16वीं सदी में हुआ पुनर्जागरण निम्न में से कौन सा आंदोलन था, तो एक ये सांस्कृतिक आंदोलन था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण निम्न में से किसका पुनर्जन्म था, तो ये प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति का पुनर्जन्म था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में लौकिक प्रवृत्ति का स्वरूप क्या था, तो मध्यकाल में लौकिक प्रवृत्ति का स्वरूप मतलब कि वो समाप्त नहीं हुई थी, अभी वो चल रही जा रही थी। नेक्स्ट है, असंगत को हमें छांटना है, तो पहले आंसर राइट हो जाएगा, पुनर्जागरण मात्र प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति का पुनर्जन्म नहीं था, मतलब नहीं आ जाएगा इसमें इसमें, क्योंकि हमें इसको सही कर देना है। तो बाकी सभी सही दिए गए हैं पुनर्जागरण काल के बारे में, पुनर्जागरण ने नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया, पुनर्जागरण ने लौकिकता में रुचि ली न कि पर लौकिकता में, पुनर्जागरण को लौकिक प्रवृत्तियों का तीव्रीकरण कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, पुनर्जागरण कालीन साहित्य और कला की मुख्य विषय वस्तु निम्न में से क्या थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर मानव, मानव के इर्द गिर्द सभी गतिविधियाँ हैं वो रही। नेक्स्ट है, इसमें इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला दिया गया है, पुनर्जागरण कालीन कला और साहित्य ने मानव उसकी समस्याओं और स्वभाव का चित्रण किया, बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण ने मानव स्वरूप को सुंदरतम वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया, ये भी सही है, पुनर्जागरण ने मानव मस्तिष्क को असीमित क्षमता के पुंज के रूप में प्रस्तुत किया, ये भी सही है, तो जो डी है वो असंगत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुनर्जागरण भावना मानव शरीर को पाप का प्रतीक एवं मस्तिष्क को कमजोर मानता है, तो ऐसा विचार नहीं था, ऐसी कोई कथन इसके बारे में नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है पुनर्जागरण काल की। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता किसे माना जाता है, तो इस मानवतावाद का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवतावाद का अर्थ क्या होता है, तो मानवीय समस्याओं एवं स्वभाव को धार्मिक समस्याओं से अधिक महत्व देना। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है पुनर्जागरण काल के बारे में, तो पुनर्जागरण ने स्वतंत्र चिंतन विवेक पर जोर दिया, बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण के कलाकार और विद्वान अपनी कृतियों को पूरे समुदाय की कृति मानते थे, ऐसा नहीं कुछ नहीं था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण ने मानव एवं उसके अहम भाव को मजबूत किया, ये भी सही है, पुनर्जागरण के कलाकार एवं साहित्यकार अपनी कृतियों को व्यक्तिगत उपलब्धि मानते थे। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कुछ ये लेंथी से क्वेश्चन हो रहे हैं कि हम इनको छोड़ दें, आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 60, पुनर्जागरण कालीन मानव कैसा था, तो वे बहुमुखी और प्रतिभा संपन्न थे, लियोनार्डो दा विंची, तो ये उनमें से एक व्यक्ति थे जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, तो क्या थे वो, चित्रकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट है, कास्टिग गलिया की पुस्तक बुक ऑफ कॉर्टियर की विशेषता है, तो इसकी विशेषता बहुमुखी व्यक्तिवाद है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण के संबंध में सत्य है, तो शहर केंद्रित आंदोलन था ये पुनर्जागरण कालीन। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का वर्गीय स्वरूप कैसा था, तो इसमें मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग स्वरूप था पुनर्जागरण काल का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुनर्जागरण का संरक्षक नहीं था, तो इसमें सौदागर भी थे, व्यापारी थे और पोप भी थे, उसमें अच्छे कुछ ऐसे नहीं है कि पोप सभी के सभी गलत थे, तो इसमें सामंत थे जो जमींदार थे वो भी पुनर्जागरण करके संरक्षक थे, तो जनसाधारण आम व्यक्ति पुनर्जागरण का संरक्षक नहीं था। नेक्स्ट है, लोरेंजो वाल्ला ने डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन के संबंध में सिद्ध किया कि यह एक जालसाजी से बना हुआ था, एक दस्तावेज था। नेक्स्ट है, फ्रांसिस बेकन ने सत्य की प्राप्ति के तीन आधार बताए, इनमें से उसके अनुसार सत्य का आधार किसे नहीं माना जाएगा, तो बाइबल एवं अरस्तु के विचार, तो अनुभव और तर्क, ये उन्हें तीन आधार दिए,
किसी व्यक्ति की सत्यता को साबित करने के लिए। नेक्स्ट है पुनर्जागरण के संबंध में सही है, तो यह ईसाई नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह था पुनर्जागरण काल। मैकियावेली, तो मैकियावेली क्या थे, मैकियावेली नैतिक मान्यताओं को महत्व नहीं देता था, जबकि ये नैतिकता के समर्थक थे, एक धार्मिक चिंतक थे, तो ये क्या नहीं थे, नैतिक मान्यताओं को महत्व नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन है, तो सेलिनी चोर था, इसका मतलब ये सही है, सेलिनी एक कलाकार था, तो ये सेलिनी एक मतलब पुनर्जागरण काल का एक व्यक्ति था, उसके बारे में यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक चोर था, वो कलाकार भी था और एक बलात्कारी भी था, वो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं था। पुनर्जागरण काल का आरंभ हुआ, तो ये किले से वो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जागरणकालीन कला की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई, तो वो भी इटली में हुई। इटली के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में पुनर्जागरण ने क्या किया था भाई, ईसाई धर्म को अधिक मानवीय बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है असत्य कथन कौन सा है इसमें, तो व्यापार के विकास के कारण शहरों का उद्भव हुआ है, बिल्कुल सही है। शहर का वातावरण संकीर्ण था, ये गलत है, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो शहरों का वातावरण स्वतंत्र होता था, बिल्कुल सही है। व्यापारिक नगरों में विभिन्न देशों के व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है पुनर्जागरण काल के संबंध में, तो शहरों में सामंती प्रथा और चर्च की अच्छाई बुराई के बारे में बहस होती थी, ये भी सही है। शहर के धनी व्यापारी साहित्य और कला के उत्साही प्रश्रय दाता थे, ये भी सही है। व्यापारियों के पास विद्या अध्ययन का अवसर, ये भी सही है। व्यापारियों ने विद्या अध्ययन में कोई रुचि नहीं ली, तो यह कथन यहाँ पर सत्य है, सॉरी सही है, मतलब आंसर इसका यही हो जाएगा। वैसे तो असत्य को देखना था मैं, तो ये असत्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान को किसने सहेज कर रखा, तो ये अरबों ने रखा भाई, अरबों नहीं, प्राचीन यूनानी जो रोमन ग्रंथ थे उनका सबसे पहले क्या किया था, अपनी भाषा में अरबी भाषा में अनुवाद किया था। उसके बाद दोबारा जब यूरोपीय भाषाओं में अरबी से ही इन ग्रंथों को अनुवादित किया गया था, जो प्राचीन यूनानी और रोमन पुस्तकें थी। स्कॉलिस्ट विचार पद्धति में क्या होता है, तो इस पद्धति में ईसाई धर्मशास्त्रियों एवं अरस्तु के विचारों का समन्वय प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है स्कॉलिस्ट पद्धति का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था, तो थॉमस एक्विनस। नेक्स्ट है किस दार्शनिक का कथन है कि यदि मेरा वश चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये रोजर बैंकन का ये कथन है। नेक्स्ट कागज की खोज कहाँ हुई थी, तो सब जानते हैं कि चीन में। नेक्स्ट है मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था, तो सबसे पहले चीन में हुआ था। नेक्स्ट है आधुनिक छापखाने की खोज किसने की थी, गुटनबर्ग ने की थी, जो जर्मनी का निवासी थे, गुटनबर्ग में सबसे पहला मेन शहर में सबसे पहला छापखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम छपी पुस्तक का नाम था, कौन सी पुस्तक थी वो जो सबसे पहले छपी थी गुटनबर्ग के छापखाने में, तो वो थी बाइबल थी भाई, जो कि जर्मन भाषा में अनुवादित हुई थी। कुबलई खान कौन थे, मंगोल थे भाई, चीन के शासक। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हो गया, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, उस समय कुस्तुनतुनिया राजधानी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बेजेंटाइन साम्राज्य की, जो कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है इनमें से असत्य कथन, इटली रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र, ये बिल्कुल सही, इटली जो था रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था, रोमन जो इटली थी वो प्राचीन काल में जो रोमन साम्राज्य का विकास हुआ आरंभ में वो इटली में हुआ था, और इटली का जो राजधानी थी रोम वही रोमन साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी, जैसे कि आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें अभय, इटली होकर ही एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था, बिल्कुल सही है। कुस्तुनतुनिया से भागे हुए अधिकांश विद्वान इटली में आए, तो बिल्कुल राइट है। इसके साथ ही क्या होता है, इटली में पुनर्जागरण काल का विकास होता है इसी कारण से, क्योंकि जो कुस्तुनतुनिया में जो विद्वान रह रहे थे वो भाग करके इटली में आ गए थे, जिसके कारण से इटली में ही पुनर्जागरण काल की शुरुआत मानी जाती है। तो इटली में व्यापार का केंद्र नहीं था इटली, तो ये गलत है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली की द प्रिंस की विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु है राजनीति, ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है, तो ये राष्ट्रीय लोक भाषाओं में है, जैसे फ्रांसीसी, जर्मनी या इटली में, जबकि उससे पहले जो ज़्यादातर ग्रंथ थे वो लैटिन भाषा में लिखे जाते थे, तो
इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लोक भाषाएं। नेक्स्ट है, इटली के पुनर्जागरणकालीन साहित्य के संबंध में असत्य है। तो इस साहित्य में मौलिकता का अभाव है या मौलिकता की कमी है, ये कथन यहाँ पर सत्य दिया गया, मतलब सही दिया गया है, असत्य कथन है ये। बाकी साहित्य के बारे में यहाँ पर सही दिए गए हैं, यह साहित्य लौकिक था। कौन सा साहित्य? पुनर्जागरणकालीन साहित्य। यह सब सपूर्त रचनात्मक है, ये बाकी इसके बारे में सही दिए गए हैं। तो असत्य कथन पहला ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रिंस किस विद्वान की रचना है? तो प्रिंस क्या मैकावली की रचना है भाई, जिसको आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरणकालीन अंग्रेजी साहित्य प्रारंभ होता है, तो चौसर से। नेक्स्ट है, द ज्यू ऑफ माल्टा एम डॉक्टर फास्टस का लेखक है, तो इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, अंग्रेजी साहित्य के पुनर्जागरण की समाप्ति किस साहित्यकार के साथ हुई? तो बेन जॉनसन के साथ। नेक्स्ट है, डॉन क्विक शॉट की विषय वस्तु है, तो इसके विषय वस्तु, तो इसमें आगे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? भाई चीन के दरबार में आया था 1272 ईस्वी में, जो कि मंगोल शासक थे। नेक्स्ट है, 1453 में क्या हुआ था? कुस्तुनिया पर आक्रमण हुआ था तुर्कों के द्वारा। तो 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया। उस समय कुस्तुनिया राजधानी, तो ये बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी होती थी भाई, और इसके साथ ही पुनर्जागरण काल की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से असत्य कथन है, तो इटली रोमन साम्राज्य है, हमने क्वेश्चन अभी कर लिया भाई, जो छूट गया था हमारा क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा वो। हाँ, ये क्वेश्चन था, डॉन क्विकशॉट की विषय वस्तु है, तो इसकी विषय वस्तु है पतनोन्मुख समंतवाद पर व्यंग, ये सर्वेंटीज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरणकालीन कला की विशेषता है? तो मानवीय आत्मविश्वास और तत्कालीन संपन्नता की झलक इसमें मिलती है। नेक्स्ट है, एडोरेशन ऑफ लैम्ब चित्र का चित्रकार है, तो इसके चित्र जो कार है वो है ह्यूबर्ट और जैन। नेक्स्ट है, चौसर की रचना है, तो ये कैंटबरी टेल्स चौसर की रचना है भाई इंग्लिश में। नेक्स्ट, सत्य सत्ता की नहीं बल्कि काल की पुत्री है, यह कथन किसका है? तो ये फ्रांसिस बेकन का कथन है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरणकालीन श्रेष्ठतम चित्रकार कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची, लास्ट सपर, मोनालिसा, इसके लिए प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम तेल चित्र कौन सा माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो एडोरेशन ऑफ लैम्ब। नेक्स्ट है, पांतागरुएल और गार्गेंतुआ का लेखक है, तो ये थे रोबलेई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यूटोपिया, तो यूटोपिया जो पुस्तक है वो टॉमस मूर की है, जिसमें काल्पनिक समाज की कल्पना की गई है। देन द प्रेज ऑफ फॉली, यह रेसमस की। नेक्स्ट है, सिस्टाइन मैडोना का चित्रकार कौन है? तो राफेल मैडोना, सिस्टाइन मैडोना चित्र के चित्रकार हैं। रेबलीज एवं मानते कौन थे? ये फ्रांसीसी थे भाई, नहीं पता कौन थे वैसे, चित्रकार थे, साहित्यकार क्या थे इसके बारे में मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है, द लास्ट जजमेंट, तो ये माइकल एंजेलो की रचना है, चित्र है उसका। फेरी टेल एडमंड स्पेंसर के लेखक कौन है? फेरी टेल के लेखक हैं एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट है, शेक्सपियर के बारे में असत्य कथन है? तो शेक्सपियर के साहित्य में अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष हुआ, बिल्कुल सही है। उनके नाटकों में नाटकीय कला और तकनीक की निपुणता दिखती है, बिल्कुल सही है। उसके नाटकों में मानवीय आकांक्षा, संवेदना और भावुकता है, ये भी सही है। तो उनके नाटकों में धार्मिक भावना, ये नहीं है, धार्मिक भावना नहीं झलकती। नेक्स्ट है, डॉन क्विकशॉट का लेखक है सर्वेंटीज, मैंने अभी ऊपर बताया था। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंची का चित्र नहीं है, तो लास्ट सफर भी है, वर्जिन ऑफ रॉक्स भी है, और मोनालिसा भी है, लास्ट जजमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, मानवतावादियों का राजकुमार, तो रेसमस को कहा जाता है, प्रेज ऑफ फॉलीज की रचना है। मूसा की मूर्ति का मूर्तिकार है, तो माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है, पुनर्जागरणकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, तो ये पेलेस्ट्रीना पुनर्जागरणकालीन के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, म्यूजिशियन थे भाई। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग द्वारा बाइबल 42 पंक्तियों का प्रकाशन कब हुआ? तो 1454 में, पहली जो कृति थी उनके छापखाने में जो छपी, पैटा नामक मूर्ति का मूर्तिकार था, तो ये थे
एंजेलो एंजेलो माइकल एंजेलो इसके मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है पुनर्जन्म काल का लोकप्रिय संगीत है तो वाद्य संगीत लोकप्रिय संगीत था पुनर्जन्म कालीन का। मानव शरीर शास्त्र का जनक था तो वेसेलियस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विलियम हार्वे जिन्होंने रक्त प्रसंचरण की खोज की थी। कैपलर ने ग्रहों की जो गति है वो नियम दिया था। गैलीलियो ने जो दूरबीन की खोज की थी। माइकल एंजेलो कौन था तो ये मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कोपरनिकस ने क्या प्रमाणित किया तो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर, तो ग्रह की गति का जो इन्होंने नियम दिया था, पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले भाई आने वाले जो वीडियो हैं, ताकि आपको मिलते रहें। धन्यवाद।